कांग्रेस सरकार के खिलाफ गांधी भवन पर भाजपा जन बैठे उपवास धरने पर कांग्रेस के कार्यकाल पर साधे निशाने। राज्य की कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल को कुशासन बताते हुए भारतीय जनता पार्टी आज गांधी भवन पर उपवास धरने पर बैठी है। भाजपा के पदाधिकारी को कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, विकास रुका है, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गया है, उससे सरकार की नीतियां साफ नजर आती है। इसलिए आज भाजपा जन कांग्रेस सरकार का विरोध करने के लिए उपवास धरने पर बैठे हैं। इसी बीच भाजपा प्रदेश पदाधिकारी अरुण चतुर्वेदी ने राहुल गांधी द्वारा सावरकर के ऊपर दिए गए बयान पर निशाना साधा और उनके इस बयान को नादानी बताया। वहीं जामिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के बारे में अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कुछ लोगों को नागरिक संशोधन बिल पसंद नहीं आ रहा है और इसी वजह से वह इसका विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, भाजपा जिला अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, भाजपा नेता सुरेंद्र शेखावत सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने में मौजूद रहे। कांग्रेस सरकार के एक साल का कुशासन और अगर ईमानदारी से कहूँ कि वास्तव में राजस्थान में एक तरह से अंधेर गिरदी का शासन पूरी तरह चल रहा है, उस शासन के खिलाफ हमारा धरना है। इस पूरे एक साल के अंदर में कानून व्यवस्था चौपट है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, महिलाओं की इज्जत सरेआम रोजाना लूटी जा रही है और सरकार के पास का कोई जवाब प्रश्न चिन्ह किसी बात का नहीं है। विकास अवरुद्ध है। हालत यह है कि सरकार कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं बांट पा रही और फिर कहती है कि एक साल हमारा यशस्वी कालखंड है उसका हम जश्न मनाने का काम कर रही है, उसके खिलाफ हमारा धरना और उपवास है। और आम जनता के सामने इन 365 दिन में हमने कल एक पूरे 17 तारीख को जब इनका एक वर्ष होगा तब एक चार्जशीट भी हम जारी करेंगे जिसमें एक वर्ष के पूरे कार्यकारों जिन काले कारनामे हैं उनके बारे में जानकारी होगी। सर, जो राहुल गांधी का बयान दिया था सर, मैं राहुल गांधी की नादानी को सब जानते हैं। अच्छा होता थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते वो और देश के महापुरुषों के बारे में अगर जानकारी करते तो शायद इस प्रकार का बयान नहीं। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि राहुल गांधी सावरकर के पैर के छोटे से नाखून के बराबर भी नहीं। अगर उनमें थोड़ा सा भी भारतीयता का अंश होता तो शायद सावरकर के बारे में टिप्पणी नहीं करते। ये उस सावरकर के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जिसने देश में पहली बार अंग्रेजों के अंदरंग समय विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का काम किया। राहुल गांधी उस सावरकर के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जिस सावरकर ने एक बार नहीं कई बार आंदोलन करते हुए और लगातार जेलों की यात्रा भोगने का काम किया। राहुल गांधी उस सावरकर के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक बार नहीं दो बार काले पानी की सजा भुगतने का काम किया। उन्होंने जेल से माफ़ी मांगी लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी जेल से बाहर आने के बाद माफ़ी इसलिए मांगी कि मैं जेल से बाहर आऊँ और अंग्रेजों के खिलाफ फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके आप जनता को आक्रोशित खड़ा संगठित करने का काम करूँ, बार बार आंदोलन को रूप देने किया। राहुल गांधी में तो गांधी का भी अंश नहीं है, फिर वो गांधी किस बात का लगाते हैं इसकी जानकारी देते हैं। ये राहुल गांधी तो फिरोज खान की संस्कृति के हैं, इसलिए अपनी जानकारी दें कि आपके कहाँ से गांधी लेकर क्या है इसकी जानकारी। सर, एक सवाल और सर, जिले में जामिया यूनिवर्सिटी है सर, उस होटल रात को भी वो बस से जाया जा रही है, अभी वो पुलिस वाले उससे सामने बैठे थे, वो क्या है? देश में कुछ लोगों के पेट में दर्द है बहुत ज़्यादा, उनको लग रहा है कि देश अब नए भारत का निर्माण हो रहा है और वो नए भारत का निर्माण नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि देश में जब आज जिसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिस तरह बना है वो नहीं चाहते थे एक्ट बने, वो नहीं चाहते कि देश दुनिया में आज तीन देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वहाँ का जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके ऊपर यातना होती है और भारत में आकर के भारतीय उनकी नागरिकता देने की बात होती है तो उनके पेट में दर्द होता है। 370 समाप्त करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है, उनके तीन तलाक को समाप्त करते हैं तब उनके पेट में दर्द होता है, जब संसद में हार गए लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीत सके तो सड़क को हिंसा का माध्यम लेकर के अपने पक्ष वातावरण खड़ा करने का काम कर रहे हैं। देश की जनता उनके चेहरे को पहले ही समझ चुकी है, अब नई बात कोई इसमें नहीं है। सर, वो बिल तो लेकर राजस्थान में अभी तो इश्यू है, किस चीज़ का? वो बिल जो पास हुआ ना संरक्षण नागरिकता अभी कोई जवाब नहीं दे पा रहे, यस या नो? अभी तो उनके पहली बात तो मुझे बताइए, आयुष्मान भारत लागू कर दी क्या? आज भारत के सारे देश में किसानों की सम्मान निधि लागू हो गई, भारत क्यों नहीं लागू कर, राजस्थान क्यों नहीं लागू कर रहा है? देश की कितनी योजनाओं को ये रोकेंगे और कब तक रोकेंगे देखना चाहते हैं, आने दीजिए। नागरिकता का कानून जिसमें संशोधन हुआ है उसको अगर राजस्थान की सरकार नहीं लागू करेगी तो सड़कों पर उसको फिर उसका भी आंदोलन और परिणाम भुगतने पड़ेगा।